वास्तुशास्त्र पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के सिद्धांत पर काम करता है। यदि घर में या घर के आसपास कोई ऐसी वस्तु हो जिससे नेगेटिव एनर्जी निकलती हो तो यह गंभीर वास्तु दोष कहलाता है। ऐसे दोषों को इस प्रकार दूर करके इनके बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शास्त्र में। आप नए व्यूअर हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। घर के आंगन में सूखे एवं भद्दे दिखने वाले पेड़ जीवन के अंत की ओर इशारा करते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को जल्दी ही कटवा देना चाहिए। अगर घर के मेन गेट के पास या सामने बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हों तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। ऐसा हो तो मेन गेट पर पूरे समय पर्दा लगाकर रखें। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कुछ ऐसी कलाकृतियों का प्रयोग होता है जो नकारात्मक आकृति के होते हैं। इन्हें वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। यदि ड्राइंग रूम में फूलों को सजाते हैं तो ध्यान दें कि उन्हें प्रतिदिन बदलते रहना जरूरी है। फूलों के मुरझा जाने पर इनसे नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है। पुराने घरों के कमरों की दीवारों पर सीलन पैदा होने से बनी भद्दी आकृतियां भी नेगेटिव एनर्जी का सूचक होती है। ऐसी दीवारों की तुरंत रिपेयरिंग करवा लें। अगर बेडरूम की खिड़की से सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि दिखाई देते हैं तो ऐसे दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दें। ये है 6 बातें जिनसे घर और दुकान में बढ़ता है दुर्भाग्य। आप जरूर ध्यान रखें।